हेलो डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मोल प्रभाज तथा मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 12 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल प्रभाज का दूसरा नाम है मोल अंश। यानी कि मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th। किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक के मोल अंश कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। विलय के मोल प्रभाज बराबर विलय के मौलिक संख्या बटे विलय के मौलिक संख्या प्लस विलायक की मौलिक संख्या विलय के मौलों की संख्या प्लस विलायक के मोल की संख्या अर्थात विलय के मोल की संख्या के छोटे एन से बड़ा है। विलय के मोल की संख्या विलायक के मोल की संख्या या विलय के मोल की संख्या होगी। इसी प्रकार विलायक के मोल प्रभाज विलायक के मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर विलायक के मोलक संख्या बटे विलय के मोलक संख्या प्लस विलायक के मोलक संख्या विलायक के मोलक संख्या को हम बड़े हैं क्योंकि विलय के लिए छोटा और विलयन के मोलक संख्या विलय प्लस विलायक मिलकर के दोनों की विलयन के मोलक संख्या क्या है विलय प्लस विलायक के मोलक संख्या में। इस प्रकार जैसे इनका क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल 72 ग्राम जल तथा 40 ग्राम C2H5OH एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करो। दोनों के
मोल प्रभाज ज्ञात करो। सॉल्यूशन, पहले हम विलय, इसमें जल विलायक है, जल हमेशा विलायक ही होगा, कहीं पर भी होगा विलायक ही होगा। और दूसरी एथिल अल्कोहल, इसमें विलय है, एथिल अल्कोहल वाइन शराब होते हैं। इस प्रकार जल के मोलक संख्या, ग्राम भार बटे अनुभार, जल का अणुभार 18 होगा H2O के लिए, ग्राम भार इसका दिया है 72। ये बड़े अन की, क्योंकि जल जो है विलायक का कार्य करते हैं, इसलिए यह बड़े अन की वैल्यू होगी 72/18, क्योंकि हाइड्रोजन का एक 16 ऑक्सीजन के हो गए, 2×1 यानी कि 2×1 प्लस ऑक्सीजन के 16 इक्वल टू 72, 72/18 यानी 4, यानी बड़े अन की वैल्यू हो गए। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल के मोलक संख्या, ये छोटा एन होगा, इसमें भी लेगा ग्राम भार बटे अणुभार होगा, यहाँ भी लेगा ग्राम भार बटे विलय का अणुभार, एथिल अल्कोहल के C2H5OH 46 दिया है ग्राम भार हमें, 40 ग्राम 46 में, और इसका अणुभार 12×24 और 5 29×31 और 16 46 46 हो जाएगा इसका एथिल अल्कोहल का अणुभार, तो इसका 1 होगा, ये छोटा एन की वैल्यू होगा। इस प्रकार विलय के मोल अंश बराबर, विलय इसमें एथिल अल्कोहल है, छोटा एन बटे छोटा एन प्लस बड़ा एन इक्वल टू छोटे एन की वैल्यू हमारी 1 आई है, 1/1 प्लस बड़े एन की वैल्यू हमारी 4 आई है, 1/5 इक्वल टू 0.2 विलायक के मोलंस, मोलंस या मोल प्रभाज एक ही बात होगी, बड़े एन ऊपर हो गया, छोटा एन प्लस बड़ा एन इक्वल टू बड़े एन की वैल्यू 4, 1+4 इक्वल टू 4/5 तो 0.8 हो गया। एक नोट में पॉइंट, हमेशा विलय के मोलंस प्लस विलायक के मोलंस बराबर 1, यानी दोनों के विलय और विलायक के मोलंस जुड़कर 1 होनी चाहिए वैल्यू। जैसे कि ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आई है आंसर की पुष्टि के लिए 0.2 0.8, दोनों को जोड़कर देखेंगे तो 1 होगा। इस प्रकार हमारा ये आंसर सही है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, यदि आपको लाइक आएगा प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।